भारत किससे कहानियों का देश, और आ गया हूं मैं हाईजैकिंग की दुनिया का एक और किस्सा लेकर। आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि ये देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला हाईजैक है और भारत के इतिहास का आखिरी हाईजैक। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो दिन था 24 दिसंबर 1999 का, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, जिसको कॉमनली हम जानते हैं IC 814 के नाम से, उस दिन उसको काठमांडू से उड़ान भर के दिल्ली की ओर जाना था। उस प्लेन के पायलट थे कैप्टन देवी शरण और फर्स्ट ऑफिसर थे राजेंद्र कुमार, और साथ ही ओल्ड फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। जनरली काठमांडू से दिल्ली का सफर 2 घंटे का होता है। उड़ान भरने के बाद जैसा फ्लाइट में होता है वैसा ही हो रहा था, यानी खाना पीना सर्व किया जा रहा था। उसी वक्त हाईजैकर्स खड़े होते हैं और लोगों का खाना पीना छीनने लगते हैं और कहते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और उनके पास बम है। उस प्लेन में लगभग 11 क्रू मेंबर्स थे और करीबन 180 पैसेंजर्स थे, और बहुत जल्द वो हाईजैकर्स कॉकपिट में भी घुस जाते हैं और पायलट को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि वेस्ट की तरफ फ्लाई करो। हाईजैकर्स को प्लेन को पाकिस्तान लेके जाना था, लेकिन जब वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते हैं तब पाकिस्तानी ATC उन्हें लाहौर में लैंड करने से मना कर देती है, लेकिन हाईजैकर्स ने पायलट्स पर प्रेशर बनाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर इंडियन ATC को पता चलता है हाईजैकिंग का करीबन 4:40 पर। अब यहाँ एक हैरानी की बात पता चलती है, वो ये कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, उनको इस हाईजैक के बारे में पता चलता है करीब 1 घंटे बाद। करीब 6 बजे इंडियन ATC फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और तब इंडियन ATC से बात करते वक्त देवी शरण बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम है और हाईजैकर प्लेन को पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ATC ने उन लोगों को घुसने से मना कर दिया है। ये सब बताने के बाद देवी शरण ने रिक्वेस्ट करी इंडियन ATC से कि वो पाकिस्तान ATC से बात करे और हमको लैंड करने की परमिशन दे दे, वरना ये हाईजैकर्स एक एक करके सबको मारना शुरू कर देंगे। उसके बाद 6:30 बजे करीब इंडियन ATC के लोग पाकिस्तान ATC से कॉन्टैक्ट करते हैं। बातचीत होने के बावजूद भी पाकिस्तान परमिशन देने से मना कर देता है। उसके बाद कैप्टन हाईजैकर को कन्विंस किया कि हमें प्लेन को लैंड कराना ही पड़ेगा, हम किसी की परमिशन का वेट नहीं कर सकते, और ऐसे कैप्टन कन्विंस करने में कामयाब होते हैं और प्लेन को फिर अमृतसर में लैंड कराया जाता है, वो भी सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए। अब प्लेन करीब 7 बजे लैंड होता है अमृतसर एयरपोर्ट पर, और उसी वक्त रिक्वेस्ट करते हैं तुरंत ही प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। उस समय एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनता है और एक लोकल कमिटी बनती है, जिसका काम ये होता है कि जितना डिले कर सके वो करते हैं, क्योंकि इससे अथॉरिटीज़ को टाइम मिल सकता है प्लान बनाने के लिए। अब यहाँ एक बात और सामने आती है जो कि हैरान करने वाली होती है, वो ये कि अमृतसर के DG को इस हाईजैकिंग का 6 बजे करीब पता लगता है, वो भी ऑफिशियली नहीं बल्कि TV पर न्यूज़ देखकर। अब यहाँ हाईजैकर जो है वो लोकल अथॉरिटी से बात ही नहीं करता, वो डायरेक्ट दिल्ली से बात कर रहा है। यहाँ पर देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं वापस कि प्लेन की रिफ्यूलिंग करा दी जाए, वरना ये मारना शुरू कर देंगे, और उन्होंने चाकू मार भी दिया सतनाम सिंह नाम के आदमी को। कुछ मिनटों के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट एक प्लान बनाती है। वो कहते हैं कि जब प्लेन में रिफ्यूलिंग करनी है तो क्यों ना टैंकर में अमृतसर पुलिस के कुछ सिपाहियों को भेज देते हैं, और जैसे ही रिफ्यूलिंग के लिए वो लोग जाएंगे वैसे ही वो लोग प्लेन का टायर पंक्चर कर देंगे, जिससे प्लेन उड़ान भर ही नहीं पाएगा। उसी वक्त ATC भी एक प्लान देती है कि क्यों ना हम प्लेन के सामने एक टैंकर को खड़ा कर देते हैं, जिससे वो आगे बढ़ ही ना पाए। फिर जब वो टैंकर आगे बढ़ता है, यानी जिसमें ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो वो थोड़ा तेज चलता है। वहाँ अथॉरिटी को लगता है कि ये तेज चल रहा है, तो वो लोग धीरे चलाने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ एक मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, यहाँ पर ड्राइवर टैंकर को रोक देता है, और उसी वक्त हाईजैकर कॉकपिट से सब कुछ देख रहे होते हैं, तो हाईजैकर को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो देवी शरण को फोर्स करते हैं प्लेन को उड़ाने के लिए। तब मजबूरन उन्हें फ्लाइट उड़ानी पड़ती है दबाव में, और जो टैंकर सामने खड़ा होता है उससे भी ये लोग टकराते हुए बच जाते हैं। ये टेक ऑफ होता है 7:49 पर, और इसी समय एनर्जी कमांडोज आते हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन अब यूं कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन तो फेल हो गया है।
वहीं कैप्टन एक मैसेज देते हैं कि हम सब मरने वाले हैं। हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ही ले जाना चाहते थे और अमृतसर और लाहौर की दूरी कुछ 50 किलोमीटर की है। एक बार कैप्टन फिर रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान ATC से वापस से, लेकिन उनको जवाब में मना ही होती है। तब पाकिस्तान को शक होता है कि हाईजैकर्स के दबाव में कैप्टन प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करा सकते हैं, तो पाकिस्तान सारी लाइट ऑफ कर देता है एयरपोर्ट की, जिससे पायलट को कुछ दिखे ही ना और वो लैंड ही नहीं कर पाए। और यही होता है, हाईजैकर्स फोर्स करते हैं लैंड कराने के लिए, वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तब धीरे धीरे पायलट प्लेन को नीचे लेके जाते हैं और तब पता लगता है कि वो एक हाईवे है। ये देखते ही कैप्टन लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान ATC से और कहते हैं कि लैंड करने दे, नहीं तो प्लेन क्रैश लैंड हो जाएगा। इसके बाद फाइनली पाकिस्तान ATC परमिशन दे देता है और प्लेन को लैंड कराया जाता है 8:07 पर। वहां पर उस प्लेन की रिफ्यूलिंग होती है और इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से बोला जाता है कि प्लेन को उड़ने ना दिया जाए। प्लान ये होता है कि इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमिश्नर थे जी पार्थसारथी, उनको वहां भेजा जाएगा नेगोशिएशंस के लिए। यहां रिफ्यूलिंग के बाद लाइट सारी ऑफ ही है ताकि प्लेन टेक ऑफ ना कर सके, और कमांडोज ने भी प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान ने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी थी कि बच्चों और औरतों को छोड़ दे, लेकिन हाईजैकर ने बात नहीं मानी। और अब हाईजैकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। और इसी बीच हाईजैकर ने एक और पैसेंजर पर हमला कर दिया। वो थे रुपिन कटियार, जो कि अपने हनीमून से लौट रहे थे। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। पाकिस्तान का काम था कि जी पार्थसारथी को एक हेलीकॉप्टर दे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उनको 2-3 घंटे के करीबन लेट मिलता है, और जब तक वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक ये प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है। जी हाँ, हाईजैकर प्लेन को टेक ऑफ करवा चुके होते हैं। उस दौरान बीच में क्या होता है एयरपोर्ट पर, ये नहीं पता चलता। प्लेन को वापस उड़ने के बाद ओमान लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग परमिशन नहीं देते। फिर ये जाते हैं अल मिनाद एयरबेस दुबई में, और फिर दुबई में कड़ी नेगोशिएशन चलती है, और उसी नेगोशिएशन के चलते वो लोग 26 पैसेंजर्स को रिलीज करने के लिए मान जाते हैं। और उन रिलीज पैसेंजर्स को लेने इंडियन एयरलाइंस की एक स्पेशल फ्लाइट आती है, जिसके अंदर उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने रिलीज पैसेंजर्स का इंडिया आने तक साथ दिया। और उन रिलीज पैसेंजर्स की बदौलत हमें बाकी की जानकारी भी मिली। वो ये कि जैसा उन्होंने बताया कि हाईजैकर बड़े डिसेंटली बिहेव कर रहे थे और बच्चों के साथ भी बड़े अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, और बड़ों और औरतों और बच्चों को अलग अलग करके रखा हुआ था। अब अगर उनके नाम की तरफ आए तो आपको बता दें कि उन्होंने प्लेन में, जाहिर सी बात है, अपने फर्जी नाम ही बताए होंगे। तो जो उनका लीडर था उसने अपना नाम चीफ बताया था, और टोटल 5 हाईजैकर थे, तो दूसरे ने अपना नाम बर्गर, एक ने डॉक्टर, अगले ने शंकर और 5वें ने भोला। बाद में जाके हमें इनके असली नाम पता लगते हैं। जिसने अपना नाम चीफ बताया था उसका नाम था इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद यानी डॉक्टर, सनी अहमद काजी यानी बर्गर, जहूर मिस्त्री यानी भोला, और साकिर यानी शंकर। पायलट्स और पैसेंजर्स का कहना था कि एक हाईजैकर जिसका नाम बर्गर था उसने सबका दिल जीत लिया था। वो जोक सुना रहा था, गाना गा रहा था, और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा था कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था और टॉयलेट्स का भी बुरा हाल था, और कुछ हाईजैकर ढंग से बर्ताव भी नहीं कर रहे थे। दुबई में पैसेंजर्स को रिलीज किया गया, जिसमें रुपिन कटियाल और सतनाम सिंह भी शामिल थे। हालांकि प्लेन लैंड होने से पहले ही रुपिन की डेथ हो चुकी थी, और साथ ही इंडियन अथॉरिटीज़ ने प्लान बनाया था कि इंडियन कमांडोज को भेजेंगे, जो कि स्पेशली हाईजैक रेस्क्यू मिशन के लिए ट्रेन होते हैं, ताकि पैसेंजर्स और सबको बचा लिया जाए। लेकिन UAE गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर ये प्लेन एक बार और टेक ऑफ करता है, और इस बार जाता है अफगानिस्तान की ओर, और लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 26 दिसंबर को सुबह 8:00। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तो तालिबान ऑफर करता है इंडिया को कि वो मीडिएटर बने और हाईजैकर से बातचीत करे। असल में उस समय की तालिबान सरकार को भारत की अथॉरिटीज नहीं पहचान पाई, तो इंडियन अथॉरिटीज ने इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन था वहां से एक ऑफिशियल को भेजा कांधार बातचीत के लिए। भारत की उस समय तालिबान से कम बातचीत होती थी, तो उसी चक्कर में नेगोशिएटिंग प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटिंग होती जा रही थी। अब 6 दिन तक प्लेन में रहते हैं लोग, परेशानियों का सामना करते हैं, वहीं तालिबान अपनी फोर्सेस को प्लेन के चारों तरफ खड़ा कर देता है।
इस अटेम्प्ट में, ताकि हाईजैकर किसी भी हॉस्टेज को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये सब कुछ इसलिए भी करा जा रहा था ताकि इंडियन मिलिट्री अपना कोई ऑपरेशन ना कर सके। वहीं दूसरी ओर आईबी चीफ अजीत डोवाल, जिनको एक टीम का हिस्सा बनाकर भेजा था, उन्होंने बताया कि हाईजैकर को एक्टिव आईएसआई सपोर्ट मिल रहा था कांधार में, ताकि उन्हें एक सेफ एग्जिट मिल सके वहां से। और ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क को यूज किया गया था काठमांडू में। और ये डोवाल ने ये भी कहा कि अगर हाईजैकर्स को आईएसआई एक्ट का एक्टिव सपोर्ट नहीं मिलता तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व कर सकता था। अब अगर इनकी डिमांड की तरफ आए तो इनकी डिमांड थी कि इनको 200 मिलियन डॉलर्स चाहिए, यानी करीब करीब 1650 करोड़। उसके अलावा 36 प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, और इसके अलावा सज्जद अफगानी, जो कि फाउंडर थे हरकत उल मुजाहिदीन के, उनकी डेड बॉडी की डिमांड करी। वहीं दूसरी ओर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं कुछ लोग आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस के बीच में, वो लोग होते हैं हॉस्टेजेस के परिवार वाले। वो लोग कहते हैं कि हाईजैकर्स की डिमांड को पूरा कर दो, और एग्जाम्पल देते हैं तब का जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को छुड़ाने के लिए मिलिटेंट्स को रिलीज करते हैं। फिर 27 दिसंबर को नेगोशिएटिंग टीम कांधार पहुंचती है। उस टीम को लीड करते हैं विवेक काटजू, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और साथ ही होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजीत डोवाल भी इसको लीड करते हैं। अब तालिबान यहां साफ साफ कह चुका था कि इंडियंस को कोई भी कोविड ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन इंडिया के बिहाफ पर नेगोशिएशन जरूर करेंगे। हालांकि नेगोशिएशंस चालू रहती हैं और वो लोग 3 कैदियों को रिलीज करने के लिए मान जाते हैं, 26 से 3 कैदियों पर। उस वक्त रॉ के चीफ थे एएस दुलत, वो जाते हैं जम्मू कश्मीर और वहां के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि जो 2 कैदी वहां पर है उनको रिलीज कर दिया जाए। अब्दुल्ला कहते हैं कि ये सही नहीं होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। हालांकि उनको रिलीज करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। और फिर यही 3 पैसेंजर्स को रिलीज किया जाता है, और वो थे मौलाना मसूद अजहर, दूसरा अहमद उमर सैयद शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर। इन तीनों को रिलीज किया जाता है और जसवंत सिंह के साथ, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनको कांधार भेजा जाता है। इसी बीच इंडिया की अथॉरिटीज को लगता है कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तालिबान का लीडर हाईजैकर और रिलीज्ड कैदियों के साथ निकल जाता है पाकिस्तान बॉर्डर की ओर, और जैसा कि उनको लगा था वैसा ही हुआ, यानी उन हाईजैकर्स और कैदियों को सबको एक सेफ एग्जिट मिल गया और प्लेन को वापस भेजा जाता है 31 दिसंबर को। सब पैसेंजर्स आते हैं सही सलामत, और इसी के साथ गवर्नमेंट पर भी उंगलियां उठाई जाती है, और साथ ही जैसा कहा गया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो आगे जाके हमने पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, और साथ ही पुलवामा और पठानकोट जैसे अटैक देखे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस हाईजैक में गलतियां तो बहुत हुई हैं। अगर उसी समय अमृतसर में प्लेन को उड़ने से रोक दिया जाता तो शायद इस हाईजैकिंग की सूरत कुछ और होती। खैर, ये था किस्सा एक हाईजैकिंग का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैकिंग के किस्से के बारे में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे एबीपी लाइव पॉडकास्ट। धन्यवाद।